नमस्कार दोस्तों, पीएलसी आरडीएचएम एजुकेशन चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पीटीआई ग्रेड थर्ड जो सीधी भर्ती परीक्षा थी 2018 वाली, उसी के रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो दोस्त मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन घंटी नोटिफिकेशन घंटी उसको दबा ले, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप हर प्रकार की न्यूज़ के लिए अपडेट बने रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पीटीआई ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2018 रिवाइज रिजल्ट कितना कट ऑफ रहा और अब नंबर मिला लो, यानी कि जो नए विद्यार्थी है जिनका इस रिवाइज रिजल्ट के अंदर चयन हुआ है वो अपने नंबर को मिला सकते हो लिस्ट के अंदर। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो रिजल्ट है वो 10/5/2019 को जारी किया गया है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2018 संशोधित परीक्षा परिणाम। दोस्तों, इसके अंदर जो ये संशोधित परीक्षा परिणाम जारी हुआ है वो इसकी जो कुल पदों की संख्या थी वो अनुसूचित क्षेत्र के 3930 और गैर अनुसूचित क्षेत्र के शोरी दोस्तों और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 570 यानी कुल 4500 पदों के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। बोर्ड द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2018 दिनांक 30/9/2018 को आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, जो इसकी जो पीटीआई वाली जो एग्जाम हुई थी वो 30/9/2018 को आयोजित की गई थी। इसी क्रम में उक्त पदों हेतु रिक्त पदों के 1.5 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु पूर्णतः अस्थायी अंतिम सूचियाँ दिनांक 29/1/2019 को जारी की गई थी। तो दोस्तों, इस जो टोटल 4500 पद थे इनके 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज जांच हेतु इनकी जो अंतिम जो अस्थायी अनुसूची थी अंतिम सूची वो जारी की गई थी 29/1/2019 को, और इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन मूल दस्तावेजों से शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 13/2/2019 से 19/2/2019 तक किया गया था। साथ ही बोर्ड की विज्ञप्ति क्रमांक 135 दिनांक 15/2/2019 के आधार पर अभ्यर्थियों के पास प्रार्थना पत्रों के आधार पर स्वयं के ऑनलाइन आवेदन पत्र में खेल एवं अन्य तथ्यों संबंधी संशोधन करते हुए एसबी सिविल रिपीट रिट पर पिटीशन संख्या 40/17/2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15/3/2019 के आधार पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के रिक्त पदों के लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु वर्गवार संशोधित सूचियां तैयार की जाती है। उक्त सूचियां पूर्णतः अस्थायी और अंतिम है। इन सूची में पूर्व में जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं उनके अतिरिक्त नए अभ्यर्थियों के रोल नंबर एवं कट ऑफ मार्क्स क्रमशः निम्नानुसार है। तो दोस्तों, जो जिन अभ्यर्थियों का पहले दस्तावेज सत्यापन हो चुका है उनके अलावा जो रिवाइज रिजल्ट में नए अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन्हीं के रोल नंबर और उन्हीं के आधार पर कट ऑफ मार्क्स बताई गई है। तो ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थी है जिनका रिवाइज रिजल्ट के आधार पर चयन हुआ है उनके रोल नंबरों की लिस्ट है दोस्तों, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के, और गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो कट ऑफ रही है दोस्तों वो जनरल की कट ऑफ जेंट्स वाली 212.9933 नंबर रही है और फीमेल की जो कट ऑफ रही है वो 193.0551 रही है, और WD की जो कट ऑफ है जनरल वाली वो 5.8801 और DV की जो कट ऑफ 0.0505 रही है, और SC की जो कट ऑफ जेंट्स वाली है वो 93.1618 रही है, और फीमेल की कट ऑफ है वो -3.352 रही है और ये नील रही है, और ST की जो कट ऑफ है जेंट्स वाली वो 83.3459 रही है, और फीमेल की जो कट ऑफ है जेंट्स वाली कट ऑफ 83.3459 रही है, और फीमेल वाली कट ऑफ 57.0923 रही है और ये नील। और इसके अलावा जो OBC की जो कट ऑफ रही है जेंट्स वाली कट ऑफ रही है 175.0701 रही है, और फीमेल वाली कट ऑफ 150.9525 रही है और ये नील। और जो
एमबीसी है, उसकी जनरल वाली कट ऑफ 156.6292 रही है, और फीमेल वाली जो जेंट्स वाली कट ऑफ, यह फीमेल वाली जो कट ऑफ है 145.7154 रही है, और जो शहर एरिया की जो कट ऑफ नील दिखाई गई दोस्तों। तो ये गैर अनुसूचित क्षेत्र जो नॉन टीएसपी क्षेत्र वाले विद्यार्थी थे उनकी जो कट ऑफ है वो दिखाई गई है। और अब बात करते हैं टीएसपी एरिया वाले क्षेत्र की जो कट ऑफ, ये अनुसूचित क्षेत्र वाले जो नए अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ है उनकी रो नंबरों की लिस्ट है, और इसके अंदर जो टीएसपी एरिया वाले क्षेत्र है उनकी जनरल वाली जो कट ऑफ है जेंट्स की वो 122.2796 रही है, और फीमेल वाली कट ऑफ 108.559 रही है, और WD वाली 62.4655 रही है, और DV वाली 12.5478 रही है, और ऐसे की जो जेंट्स वाली कट ऑफ है 65.1861 रही है, और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 19.52 यानी कि 5241 रही है, और ये नील है। ST की जो कट ऑफ है वो जेंट्स वाली 56.1834 रही है, और फीमेल वाली जो कट ऑफ है 22.005 रही है, और जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो वाले क्षेत्र उनकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो ये है। और इसके अलावा जो इसके अंदर ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोस्तों आप अपना जो रिजल्ट है वो जो SOSO ID है, SOSO पोर्टल, उस पर जाके लॉगिन करके वहाँ से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये कट ऑफ रही थी, और ये नए विद्यार्थी है उनकी लिस्ट दिखाई गई है। तो ये वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए मैंने, सूचना को पहुँचाने के लिए बनाया है दोस्तों। ये आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।